नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ आदर्श। अगली खबर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई विधानसभा से भाजपा के विधायक प्रहलाद लोधी की 5 फरवरी रविवार की शाम विकास यात्रा के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पवई अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें करीब आधा घंटे तक ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं मिल पाया। विधायक आधा घंटे तक तड़पते रहे, फिर एम्बुलेंस के ऑक्सीजन सिलेंडर को निकालकर उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सभी जिलों में गांव गांव शहर शहर 5 फरवरी से सरकार की विकास यात्रा निकाली जा रही है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जिले अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में पन्ना जिले से भी रविवार की सुबह से विकास यात्रा जिले के सभी ब्लॉक तहसील स्तर से विकास यात्रा निकाली गई, जिसमें पवई विधानसभा से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी पवई विकास यात्रा कार्यक्रम में जनता को संबोधित कर रहे थे। वह शासन की योजनाओं को ग्रामीण को समझा रहे थे, लेकिन विकास यात्रा के दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिससे उन्हें आनंद फानंद में पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। जिले की लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पाया। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने अमानगंज की एम्बुलेंस से ऑक्सीजन सिलेंडर निकलवाया, फिर ऑप्शनल व्यवस्था के तौर पर विधायक के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की। मामले की जानकारी लगते ही पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा, CMHO VS उपाध्याय भी पवई पहुंचे और विधायक की इलाज की व्यवस्थाएं की। देर रात उन्हें पन्ना जिला अस्पताल रेफर कर भर्ती करवाया, जहां पर ICU वार्ड में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। CMHO डॉक्टर VS उपाध्याय ने बताया कि विधायक प्रहलाद लोधी को बीती रात पन्ना जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज डॉक्टर की निगरानी में किया जा रहा है और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जब उनसे ऑक्सीजन मिलने की बात पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध थे, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी।